और इस वक्त एक दुखद खबर आपको दे दें, पंजाब के पूर्व डीजीपी केपीएस गिल का निधन हो गया है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। हार्ट अटैक के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। 82 साल के केपीएस गिल का पंजाब में आतंकवाद के खात्मे में अहम रोल माना जाता है। पंजाब के वो दो बार डीजीपी रहे। 1989 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इंडियन हॉकी फेडरेशन के वो अध्यक्ष रहे थे और मुख्य तौर पर पंजाब में आतंकवाद को कंट्रोल करने में उनका बहुत ही अहम रोल माना जाता रहा।